सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करते नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करते नहीं, धरती बैठल धरती माता के प्रणाम करते नहीं, अरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करते नहीं, आप सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरण में प्रणाम करते नहीं, प्रणाम स्वीकार हो के आई दीदी आप लोग के बीच में एगो बड़ा सुंदर कथा लेके आयल बानी, शिव जी के चर्चा बा आप लोग सुनी, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें दीदी, अगर अच्छा लगे कथा तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दीदी एगो गांव में एगो यादव जी रहत रहने, उनकर परिवार रहे यादव जी उनकर मेहरारू दूगो लड़का रहे लो, जौने में एगो लड़का रहलन एगो लड़कनी रहल, लड़कनिया के बिहावा जौन रहे दीदी अमीर घर में कैले रहे लो, बहुत अमीर घर में शादी भइल रहे लड़कनी के उनकर यादव जी के, लेकिन जौन लड़कवा रहे उ तनी गरीब रहे दीदी, अब बियाह जहाँ भइल रहे वो गरीबे लड़की से भइल रहे, कुछ दिन के बाद जब बियाह शादी हो गई यादव जी मर गइलन, यादव जी मरला के बाद उनकर मेहरारू भी कुछ दिन बाद मर गई, जब मर गई तो इनकर माई बाप जब मर गई लोग तो इहे दू जनी रहे लो भाई बहन, बहनिया जौन रहे दीदी बहुत रुपया वाली रहे लेकिन बड़ा घमंडी रहे, रुपया पैसा तो करे लगे अथा रहे, बहुत रुपया पैसा रहे राजा के घर में ब्याह भइल रहे, लेकिन बहुत घमंडी रहे भाईवा के कुछ समझे नहीं, कुछ नहीं समझे दीदी भाईवा गरीब रहे, भाईवा भौजैया गरीब रहल सन ओके कुछ बूझे नहीं। एक दिन के बात बा दीदी कि भाईवा जौन बाटे ओके पता चलल कि बहिनिया के ओकरे ननद के शादी बा, पूरा गांव में निमंत्रण दिया रहे सबसे निमंत्रण सबके निमंत्रण दिया, लेकिन सबके देले रहे नेवता बहिनिया लेकिन अपने भाईवा के ना बुलावले रहे दीदी, अपने भाई के ना बुलावले रहे दीदी, भाईवा के कहीं से ही बात पता चलल तो बड़ा ओकरा दुख पे, फिर भी कहलस भाईवा कि माई तो हमार नहीं खे भाई भैला के फर्ज बा हमार भाई के नाता बा। देखिए दीदी भाईवा के ई भइल कि बहिनिया हमके ना पूछल से तो का करी, हई तो ओकर भाई ना ओकरे ससुरा में लोग कही कि बतावा एगो छोट भाई बा उहो कबो बहिन से मिले ना आवेला, बहिनिया त नाता तोड़ देले रहे दीदी कहीं से ई लोग गरीब रहे यही से नाता तोड़ देले रहे बहिनिया, लेकिन भाईवा के अंदर दया रहे चला जाए द बहिनिया कार्ड नहीं के दे रहे का भइल भुला गई हो बहिनिया हम जाए जरूर, अब का कैलस अपने मेहरारू से कहलस कि सुना ना ए दीदी की हाँ ओकरे ननद के शादी बाटे, दीदी के ननद के शादी बाटे, कलस की दीदी के ननद के शादी बा आ हम जाइल चाहतन, मेहरारुआ कलस उनकर किए जी कार्ड तो दीदी ने की भेजले तो कैसे रौरा जाए, लइकवा कलस की नहीं नहीं दीदी कार्ड भेजले बाड़ी, कली ठीक बा जी जब कार्ड भेजले बाड़ी तब तक जाए के पर्वे करी चल जाए, का कैलेस बेचारा गरीब तो रहे लेकिन फिर भी कुछ साड़ी ओड़ी लेके गई, जब लेके गई लो करे दरबार पर पहुंचल तो बहिनिया खिड़की से देख लेलस, भाईवा के बहिनिया जब खिड़की से देखलस तो बहिनिया सोचलस कि बतावा इतना ही भिखमंगा बा यही ना चली आइल बा ना कुछ ले ले बा ना बढ़िया कपड़ा पहन ले बा लोग देखी तो का कही, तब ले ओकर जन बहिनिया रहे ओकर देवरान रहे उ देवरनिया ओकरा के देख लेलस भाईवा के, देवरनिया दौड़ल दौड़ल गई कलस ये दीदी राउर भाई साहब आइल बाड़न, कहली कि कह तरी बहिनिया उनकर कि देख दरवाजा पर जेठ बैठल बाड़न ससुर बैठल बाड़न हम जा ना पाई में काम कर जा हमरे भाई के पीछे के रास्ता से लेके आव, अब बहिनिया के जौन देवरनिया रहे उ गई पीछे के रास्ता से भाईवा के लेके आई, भाईवा तो बड़ा खुश रहे कि कितना दिन के बाद अपने दीदी से मिला तनी हमार दीदी हमके देख के बहुत खुश हुई, जब बहन के लगे गईलन तो बहिनिया के गोड़ लागत भाईवा गोड़वा पीछे करके बहिनिया कहती है का करे चली अल ऐसा फटा फुटाई कपड़ा पहन के चली आओ तर तू हमारे घरे आ लगल, बहिनिया खूब डांटे एक बार नहीं के पूछत कि भैया तू खैला है कि ना खैला पानी पीले बड़ा कि ना पैदल उ बेचारा आई रहे किराया भाड़ा तो रहे ना दीदी जौन पैसा रहे कुछ उपहार ले 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 रहे घर से पैदल आई रहे भूखा पियासा रहे एक बार ना पूछलस बहिनिया लगल डांटे कि का करे कि हमरे दुआरे पे आई रह तू
हमार जेठ ससुर बाड़न, भसुर बैठल बाड़न, लोग हमरा के का कही कि ऐसा भाई बाटे फटा फुटाई कपड़ा पहन के आयल बा, ना सुबह कपड़ा पहनले बाड़ा, ना मुंह धोले बाड़ा, ना नहैले बाड़ा, एंग चली आयल बाड़ा। डांट बोल दहलस कहती है कि अच्छा ठीक बा, अब आ गई बड़ा तो एक काम करो हमारे साथ आव। अब पीछे पीछे भाईवा गई बहनिया का कलेस घरवा में घुसा के कॉलस की देखो जेंग आयल बड़ा हमारी इज्जत भंग मत करी, यही घर में रहो आ जब बियाह शादी खत्म हो जाई तो हम तह से मिलब। का कैलस एगो घर में बंद कर देलस दीदी अपने भाई के, भाई के बंद कर देलस भाईवा, रात भर रोलस बियाह इन्हें शादी बियाह के मामला तो जनते बहन दीदी शोर शराबा होत रहेला। भाईवा रात भर रोलस, बहुत खटखटैलस दरवाजा केहू ना खोलस दीदी, रात भर रोलस की भूख लागल बा। वाह रे बहिन, एक बार पूछलू तक नहीं हो कि भैया तू आइल बड़ा उतना दूर से, कुछ खैले बड़ा कि नहीं, कैसे आइला है तुहार लैका पैका कैसे बड़ा सन। भाई खूब रोवत रहे दीदी, लेकिन बहनिया पूछलस नहीं, इतना घमंडी रहे, धन दौलत पे इतना ओकरा घमंड रहे, एक बार ना पूछलस। ओकरे बाद से फिर सुबेर भइल दीदी भिनसारे, दरवाजा खटखटावत रहे, बहनिया के लैकी नहीं रहे दीदी, बहनिया के लैकी नहीं रहे, लैकिनिया जाके दरवाजा खोल देलस। जब दरवाजा खोललस भाई, जब देखलस भांजी के, भांजी के गले लगा के दीदी का कैलस पीछे के रास्ता से चुपचाप अपने बहन के बिना बतौले निकल गए दीदी, निकल गए, चलत 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 चली आई। एगो पेड़ रहे दीदी, पेड़ के नीचे बैठ के लगल रोवे, लगल रोवे, भोलेनाथ पार्वती माता वही पर्वत से देखत रहे लोग, भोलेनाथ बहुत दयाल, भोलेनाथ की पार्वती माता कहनी जी देखी ना, आजकल भक्त लोग के धन भी देवे लायक नहीं के, और देखी ना ओकर बहिन के इतना धन बा, ओकर बहिन का कैली भी अपने भाई के नहीं के पूछा, अपने भाई के नहीं के पूछत, एक काम करी ना जाई ओकरा के कुछ दे दे। अब का भइल पर्वत से भोलेनाथ उतर की एनी नीचे, नीचे एनी भोलेनाथ कहने की बताव, कहे बाबू तू इतना रोवत रह, बूढ़ के भेष में भोलेनाथ एनी कहनी बताओ बाबू तू काहे इतना रोवत रह, काहे का दुख बा, तके का परेशानी बा। कहलन की बाबा हम का बताई रउरा से, देखी ना अपने बहिन के घरे गई लनिया बड़ा श्रद्धा से, बहिन कार्ड ना देले रही है लेकिन फिर भी गई लनिया झूठ बोल के, आ हमार बहिन ना खाना पूछलिए ना पानी पूछलिए, हमरा के रूम में बंद कर देले रही है, यो ना पूछलिए भैया तू उतना दूर से आयल बड़ा कैसे आइला है का भइल, कुछ ना पूछलिए भैया बाबा हमसे कुछ नहीं की पूछले हमार बहिन, आ हमके दरवाजा में बंद कर देले, ऊ तो कहीं एगो भांजी हमार रहलिए दरवाजा खोल लेलिए तब निकल के बाहर आ गए। अब बुढ़ऊ का कैलन, कहलन की ठीक बा चिंता मत कर बाबू, अब तू घरे चल जा। कहलन कि हम कैसे जाए, घरे जाए तो लैका मेहरारू इंतजार करत हुई लोग, कही लोग कि लैका कहीं से पापा गैला ना बुआ की, यहाँ बुआ इतना धनी भी है लेकिन बुआ कुछ देले नहीं की। बाबा बुढ़ऊ बाबा का कैलन, कहलन कि चलो हमारे साथे आव, ये जब पास में जंगल बा ओमे फल फूल लागल बा कुछ तोड़ ला उहे लेके चल जाइए। देखी दीदी फल फूल लेवे खाती हूँ बाबा के पीछे पीछे गईलन, तरबूज लागल रहे दीदी खूब बड़ा बड़ा तरबूज, तरबूज तोड़ के दो तीन गो तरबूज लेके भर ले अलन, कहलन की एक काम करो बाबू है तरबूज लेके तू चल जा। जब घरे अलन दीदी तो लैका दरवाजा खोल के पापा 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 कैले कैले पहुंच गई लसन, पहुंचल सन तो कहल सा पापा का लेके आयल बड़ लेकवा, लगल सा कहे कि पापा का लेके आयल बड़ तो का कैलन कि झोला धो दिलन, कहलन कि जा तनी बाबू हाथ मुंह धोए अबे आए तो हम बताए। जब हाथ मुंह धोए गैलन तले मेहररुआ उनकर झोलवा देखलस कि बताओ ये झोला में का भरले बड़ी, और दीदी तो बहुत धनी बाड़ी जरूर कुछ ना कुछ दिल ही। जब दीदी झोला खोला तड़ी उनकर मेहरारू तो जन तरबूज बा सोने के रहे, तरबूज सोने के रहे, जब ये देख रही तो कहली एकदम चकित हो गई, कहली ए जी देखी ना है का दे देले बानी दीदी, सोचे लगलन कि आखिर में ऐसा का दे देले भैया बहनिया हमार कुछ तो नहीं खे देले, ऐसा का बा कि कह तरह से का बा। अब कहलन कि का बाटे ओमे कुछ तो नहीं खे,
खाए वाला कुछ बा हमहू नहीं की देखले देखा ब, ब, दीदी काज ने का देले बिया हमरा नहीं की पता कहत रे जीरा और दीदी काज देले बानी इतना धनी बानी हमनी के धनी बना देनी देखी का बा जब देखा तना तो सोने के तरबूज रहे का भइल दीदी की सोने के तरबूज पाके बड़ा खुश भइल लोग रातो रात दिनों रात उहे खा लो पूरा धनी हो गइलो राजा हो गइलो कोनो चीज के कमी ना रहे लेकिन जोन भौजैया रहे भौजैया के अंदर यह रहे कि हमार ननद कितना अच्छा बाड़ी जेगा अपने धनी बाड़ी होगा हमनियों के धनी बना देली भौजैया तो ना जानत रही कि हमार ननद कैसन बाड़ी भाईवा तो जानत रहे कि हमार बहिन ऐसन बिया कि हम का बताई केहू से बताई मगर अपने मेहरारू से बताई तो मेहरारू भी ताना मारी हम अब का भइल दीदी कहली कि अपने मर्दे से किए जी दीदी हमनी के राजा बना देली जाई ना कितना दिन हो गए दीदी के अले कितना दिन हो गई जाए ना दीदी के कुछ दिन खाती अपने घरे लेके आई कहलन ठीक बा अब का भइल दीदी की गइलन उनकरे घरे गइलन त देवरनिया फिर देखलस फिर देवरनिया गइल त कहलस ए दीदी राउर भाई आइल बड़ त कहली कि कहाँ कहाँ हमार भाई आइल बड़न आ त हाँ आ त कौने भेष में बड़न हमार भाई आ त राउर भाई त खूब बढ़िया खादी के कपड़ा पहनले बड़न खूब ज्यादा उपहार लेके आइल बड़न कहत ये बहिनिया की दरवाजे पे जेठ ससुर बैठल बड़न आ जेठ जी हमार बैठल बड़न एक काम करब हम ही जाए अपने भाई के लेके आवे अब का भइल दीदी की बहिनिया गईल मेन गेट से जाके अपने भाई के आदर सत्कार से अंदर लेके आई खियौलस पियौलस बड़ा जान मान कैलस भावा ये सोचे वाह रे बहिन जब हमारे पास कुछ ना रहे तू हमके दुदकार दिले रहलू यहाँ तक ये ना जानलू कि हमार भाई गईल भाग के कोने हालत में हुई और आज तहलो हमरा के छोड़ दे हला लो और आज जन बाटे कि हमरा के इतना आदर सत्कार कर तरू जब हम इतना उपहार लेके आए बनी कुछ लायक हो गए देखी दीदी ओकरा बाद से उनके मन में ये सोच रहे कि बतावा हमार बहिन कैसन भी स्वार्थी जब हमारे पास कुछ हो गए तो हमारे इतना आदर सत्कार करे अब का भइल कहलन की बहिन दीदी भाभी तुहार कहतरी कि दीदी के ले आई कुछ दिन खाती तन दीदी हमरा घरे घूम जाए कहली ठीक बा भैया हमरो भी मन करता चला हम चलब का कैलन सुबेरे भइल अपने बहन के लिए आके अलन रात भर रुकल न सुबेरे अपने बहन के लिए आई ना आ बहन के लिए आके घर में बैठलन बैठा के देखी दीदी भौजाई तो ये जानत रही कि हमार ननद के वजह से हमनी के धनी भइल बानी के अब का भइल सोचली कि अगर बता दे सोचलन कि अगर बता दे तो हमार मेहरारू हमारे बहन के आदर सत्कार ना कर खूब इज्जत से आदर सत्कार कैलन लो ओकरे बाद से जब जाए के रहे बहिनिया के कहलन दीदी तू कुछ दिन और रुक जा तनी मोची की यहाँ से हम कुछ बनवा के ले आए तो तूहे पहन के जइह कहलन ठीक बा अब का कैलन गइलन मोची की यहाँ दीदी आ बड़ा सुंदर एगो जूती बनवलन उ जूती बन गई तो जूती लेके अलन आ कहलन दीदी एक काम कर जूती पहनला के बाद ही तक जाए के पड़ी अब का कैलन जूती पहन ले ली उनका बहन जैसे जूती पहनली जूती से आवाज आवे लागल कि गरीब के तो कौनो रिश्तेदार ना होला गरीब गरीब ही रहेला गरीब के कौनो भाई बहन ना होला अगर गरीब तू बाड़ तो बहन अपने घर से तोहके दुदकार दे भगा दे कबो इज्जत सत्कार ना करी इहे बार बार बोले आवाज देवे उ जूती भौजैया कहे जी कैसन आवाज देता जी ई जूती में कैसन आवाज बा बार बार यही आवाज देता बहिनिया के अंदर से तो होखे लागल कि भैया जौन जूतिया देले बा हम जैसन कैले बानी हमरा बुझाता ऐसने बनवा के हमरा की जूती भैया देले पहन के चल गई पूरा रास्ता सोचते गई कि आखिर में ई जूती तो भाई बनवा के देहलस लेकिन जैसन हम कैले बानी उहे भाई जूती में बनवा के देले बा ओके अफसोस होके लागल कि बतावा ओके दरवाजे पे गनी तो कितना हमारा आदर सत्कार कैलसन एगो हम बानी हमरे दरवाजा पे हमार भाई आई तब ओके ना खाना पूछनी ना पानी पूछनी दरवाजा बंद करके ओके ओ दरवाजा में छोड़ देहनी अकेले घूटे खाती ई ना पूछनी के बाबू तू अला कैसे हो पैदल अला हा कि सवारी से अला हा खैले रहा हा कुछ ना खैले रहा हा यहाँ तक हमार भाई चल गए तबो भी हम ना पूछनी कि हमार भाई आखिर में कैसे गए
कहाँ गई, एक बार भी जाने की कोशिश ना कही। जब घरे चल गई ओके अफसोस तो हो गई। महादेव जी से बड़ा क्षमा मांगे लागल, विनती करे लागल, हे महादेव हमके माफ कर दी। ओकरा बाद से देखी दीदी भौजैया इन्हें पूछे लागल के जी बताई आखिर काहे जूती आएगा बोलत रहल। जब ये बात बार बार पूछे लगली, जब कसम देहली अपन, तब भाई बतौलन कि देख हम अपने बहन के यहाँ गई रहनी, झूठ बोल के गई रहनी कि निमंत्रण आई रहा, लेकिन हमारे के कोनो निमंत्रण ना आई रहा। आ जब हम ओजा पहुँचनी अपने दीदी के घरे, तो दीदी हमरा के ना खाना पूछली ना पानी पूछली, एगो दरवाजा में ले आके बंद कर दिली। कहली हमारी इज्जत में कमी आ जाई, तू ऐसा कपड़ा पहन ले बड़ा, इज्जत में कमी आ जाई, हमके दरवाजा में बंद कर दिले रही। सुबेर भइल भांजी खोल दहलस, त हम धीरे से भाग एनी। आ उ जौन तरबूज रहे उ तरबूज भी हम ना ले आई रहनी। उ तरबूज जौन रहे एगो बूढ़ा आदमी रहलन, उ बूढ़ा आदमी कहलन कि हमार तरबूज के बगीचा बा, चल हम तक तरबूज दे तनी। आखिर तू जइबा अपने घरे, तो लोग पूछी लड़का पूछी सन कि बुआ इतना अमीर रहली, बुआ का दिले बड़ी, तो चल हम तारा की तरबूज दे तनी लेके जइह। वे तरबूज लेके एनी आ हमरा बुझा था तरबूज तो दे दहलन, उ जरूर कौनो साधु महात्मा रहलन। अब जान गई लो कि महादेव जी के कृपा बरसल, महादेव जी के पूजा पाठ करे लागल लोग। दीदी दिन बदल गई, भाई कलन देख बहन कबो भी आवे बहन कबो भी आवे तो तू आदर सत्कार करी, जैसन बहन कैली भी वैसन मत करी। कहली ना जी महादेव जी के कृपा बरसल बा हमारे ऊपर, तो हम उनकरा के कोनो दोषी ना ठहराए, वो जब भी अहिया तो वही आदर भाव सम्मान से उनके रखब। देखी दीदी अगर आपके सामने वाला आपके साथ बुरा करता तो आप ओकरे साथ बुरा मत करी, अगर आप बुरा आप भी बुरा करम तो ओकरा में और आप में कोनो अंतर ना रहे। एक खाती अगर केहू आपके साथ बुरा करता ओकरे साथ बुरा मत करी। ये कथा कैसा ना होला दीदी, अगर अच्छा लगे चैनल के सब्सक्राइब कर दे, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। हम लोग आज खाती इतना ही, फिर मिलब अगले कथा में दीदी, आज खाती इतना ही, धन्यवाद।